हाँ बेटा, आज हम एक कॉमन टॉपिक पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करना। देखिए, ये जब भी कोई भी स्टूडेंट मैथ्स पढ़ता है तो ये आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे हमने देखा है, कुछ बच्चे इलेवेंथ में आते हैं तो वो भी डिमांड करते हैं कि सर क्वाड्रेटिक फैक्टर सिखाइए, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करना सिखाइए। तो इसका एक अलग वीडियो बना रहे हैं अपन, जिसमें हम केवल और केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करना सीखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बेटा तीन मेथड होती है। पहली मेथड फैक्टराइजेशन होती है, दूसरी फॉर्मूला मेथड होती है, और तीसरी कंप्लीटिंग स्क्वायर होती है, राइट। उसमें से पहला मेथड कौन सा है? फैक्टराइजेशन मेथड। इस चैप्टर में हम इस वीडियो में ये तो देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर, इसके अलावा जो हायर डिग्री होते हैं, मतलब इससे ज्यादा डिग्री होते हैं, जो 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, उन डिग्री के फैक्टर कैसे किए जाए, मतलब एक्स क्यूब हो, क्यूबिक इक्वेशन हो, या फोर्थ पावर वाली एक्स पावर 4 वाली इक्वेशन हो, या उससे ज्यादा पावर वाली इक्वेशन हो, तो उनके सोल्यूशन भी हम इसी चैप्टर में देखेंगे। कंटिन्यू करते हैं, ओके। तो पहला मेथड बता रहा हूं आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करना, फैक्टर मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना। ध्यान दे, कुछ क्वेश्चन मैंने लिख के रखे हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² - 9x - 5 = 0। पहले आपको प्रोसेस बता दूं कि हम करेंगे क्या। देखो बेटा, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो ax² + bx + c = 0, और यदि इस इक्वेशन के आपको रूट्स फाइंड करना है, यानी इस इक्वेशन के फैक्टर करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दो नंबर ऐसे चूज करते हैं x1 और x2, जिनका सम बी हो, x1 + x2 b, उनका सम होना चाहिए बी, और उनका दोनों नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए a × c, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। ऐसे दो नंबर हमें सिलेक्ट करना है, बराबर है बेटा। यहां देखो इस क्वेश्चन में, इसमें a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 9 है, और c की वैल्यू है -5। a² b - 9 and c - 5, ax² + bx + c = 0 से इसकी कंपेयर। हमें दो नंबर ऐसे चूज करना है, देख लो, लिख देता हूं, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, जिनका सम जो है बी के इक्वल हो। बी क्या बेटा यहाँ पर? -9। x1 और x2 को हमें अपनी तरफ से चूज करना है, इनका सम होना चाहिए -9, और इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए a × c के प्रोडक्ट के बराबर। a की वैल्यू कितनी है इसमें? 2, और c की वैल्यू है -5। 2 × -5 कितना होता है? -10, बराबर है। अब दो नंबर के प्रोडक्ट आप सोचिए, दो नंबर सोचिए जिनका प्रोडक्ट -10 हो, और जिनका सम जो है -9 के इक्वल हो, कौन से दो नंबर हो सकते हैं? देखो, यदि हम एक वैल्यू -10 ले और एक वैल्यू 1, सही है बेटा, एक वैल्यू -10 और दूसरी वैल्यू 1, तो -10 + 1 कितना होता है? -9, और यहां पर भी देखें तो -10 × 1 -10 होता है, बराबर है। आसान क्या होता है? इसको फैक्टराइज करना, -10 है ना बेटा, तो इसके कितने कितने फैक्टर हो सकते हैं? जैसे पॉसिबल फैक्टर देखे तो एक -10 1 हो सकता है, दूसरा फैक्टर देखे तो 5 और 2 हो सकता है कि नहीं? तीसरा और कोई पॉसिबल है क्या? +10 × 1 हो सकता है, ऐसे तीन तरीके से ये पॉसिबल है, बराबर है। तो यहां पर दोनों कंडीशन यदि साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड हो, तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं?
एक माइनस 10 है और दूसरा 1 है. माइनस 10 प्लस 1 माइनस 9 होता है और माइनस 10 इंटू 1 माइनस 10 होता है. अब इस इक्वेशन को हम ब्रेक हमेशा हमें बी को करना है, ये जो लिखा रहता है ना इसको स्प्लिट करना है बेटा. बस देखो अभी ध्यान से, ये माइनस 9x लिखा है ना, माइनस 9 को अपने को ऐसा लिखना है माइनस 10x प्लस एक्स. माइनस 9 के दो पार्ट, माइनस 10 प्लस 1, माइनस 5 इक्वल 0. समझ में आ गया, अभी हमने कुछ नहीं किया है, केवल माइनस 9 की जगह माइनस 10 प्लस 1 दिया है. अब देखो फर्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम, 2x कॉमन निकाला जा सकता है, देन x माइनस 5 प्लस इन दोनों से 1 कॉमन ले लो, 1 कहीं से भी कॉमन ही रहता है. x माइनस 5, अब ये भी x माइनस 5 फैक्टर है, इधर भी वही है x माइनस 5. सो x माइनस 5 कॉमन, 2x प्लस 1 इक्वल 0. x माइनस 5 इक्वल 0 पहला फैक्टर, सेकेंड फैक्टर 2x प्लस 1 इक्वल 0. यहां से x इक्वल 5, इधर से क्या आएगा बेटा 2x इक्वल माइनस 1, यानी x इक्वल माइनस 1 बाय 2. तो ये x की दो वैल्यूज हो गई 5 एंड माइनस 1 बाय 2. समझ में आ गया होगा हमें क्या क्या स्टेप्स होती है इसमें. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0. a 2 है, b माइनस 9, c माइनस 5. केवल एक ही फैक्ट है आसान सा, दो नंबर ऐसे सिलेक्ट करना है हमें जिनका सम माइनस 9 हो. कुल मिलाकर इस मेथड में केवल b को जो है हमें दो पार्ट में स्प्लिट करना होता है, राइट. जैसा देखा आपने माइनस 9 को लिखा है माइनस 10 प्लस x, ये सब प्रोसेस ओरली होना चाहिए. एक सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला है सेकेंड क्वेश्चन अपना, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0. बराबर होगा, दो नंबर हमें कैसे चाहिए जिनका सम माइनस 5 हो b के इक्वल. इसको स्प्लिट करना है, माइनस 5 को दो पार्ट में स्प्लिट करना है. किस तरह से स्प्लिट करना है बेटा, इसका माइनस 5 जो है दो नंबर के सम के इक्वल और इन नंबर्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर, यानी a इंटू सी के. 1 × 6 मतलब 6. देखो इधर से आया करो इस साइड, तो इधर से समझना आसान होता है. दो नंबर जिसका प्रोडक्ट 6 है कौन कौन से हो सकते हैं ना, पॉसिबिलिटी एक 1 6, 1 × 6 6 होता है, बराबर है. और कोई दो नंबर देखना चाहे हम तो कौन से देख सकते हैं, 2 3, 2 × 3 भी 6 होता है, राइट. अब हमें साइन के साथ में देखना है, ध्यान दो, दो नंबर का सम माइनस 5 चाहिए जिनका प्रोडक्ट प्लस होना, ये प्लस 6 है यहां माइनस 5 है, तो ठीक है ना बेटा. तो दो नंबर हम कैसे लेंगे, दोनों निगेटिव, क्योंकि हमें यहां पर माइनस 5 चाहिए तो दोनों निगेटिव होना चाहिए, और उन निगेटिव का जब प्रोडक्ट करेंगे हम तो वो पॉजिटिव मिलेगा. देखो इस तरह से एक्स 1 को यदि हम माइनस 2 लिखे, एक्स 2 को माइनस 3, तो माइनस 2 माइनस 3 कितना होता है माइनस 5, और माइनस 2 और इंटू माइनस 3 दोनों का प्रोडक्ट करें तो प्लस 6 होता है.
इस तरह से माइनस फाइव को स्प्लिट करने पर क्या मिला हमें, माइनस टू माइनस थ्री। अब देखिए, देखो बेटा ये स्टार्टिंग में हम ये मेथड ये सब लिखते हैं, बाकी फिर धीरे धीरे इसको रिमूव करता जाना है, टाइम सेविंग भी चाहिए ना। तो पहले पहले हम लिखेंगे, फिर बाद में ऐसा हटता जाएगा जब डायरेक्ट करने लगेंगे आप। माइनस फाइव के दो पार्ट, माइनस टू माइनस थ्री, माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स है कि नहीं, ये माइनस फाइव एक्स होता है, प्लस सिक्स इक्वल जीरो। फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन निकाल लीजिए, तो x माइनस टू, यहां से माइनस थ्री कॉमन, x माइनस टू इक्वल जीरो। फिर x माइनस टू कॉमन, ये कॉमन फैक्टर है, ये भी वही है, तो कॉमन निकल जाएगा दोनों से। क्या बचा होता, फर्स्ट टर्म में x बाकी है, दूसरे में थ्री, इससे x माइनस टू इक्वल जीरो, यानी x इक्वल टू और x इक्वल थ्री। तो ये था अपना सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, टू एंड थ्री। समझ में आ रहा होगा, बड़ा आसान सा है पूरा, फैक्टराइज करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। दो नंबर ऐसे चूज करने होते हैं हमें जिनका सम मिडिल टर्म के इक्वल हो और जिनका प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल हो, बराबर है। देखिए कुछ क्वेश्चन और है, प्रैक्टिस करना जरूरी है, जितने ज्यादा सम आप कर सको। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1 इक्वल जीरो। आप अपनी तरफ से ट्राई कीजिए पहले इस क्वेश्चन को। यस, 35x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1 इक्वल जीरो। दो नंबर हमें चूज करना है जिनका सम किसके इक्वल हो, बी के। यही मेन होता है बेटा, इसको स्प्लिट करना होता है ना। इन नंबर का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, एक्स वन ए और सी के प्रोडक्ट के इक्वल, यानी 35 × 1। 35 के बारे में सोचो, इसके दो पार्ट कौन से हो सकते हैं, 7 × 5 कितना होता है, 35, और दोनों का सम देखें तो कितना आता है, 12 आता है। देन हो गया 12 के दो पार्ट कौन से होगा बेटा, एक 7x और एक 5x, 7 + 5 = 12 होता है, प्लस 1 = 0। यहां से 7x कॉमन ले लेते हैं, 5x प्लस 1 प्लस 5x प्लस 1 इक्वल जीरो। क्लियर है ना, यहां से 7x कॉमन कितना बचेगा, 35 है, 7 कॉमन ले लिया तो 5x प्लस 1, इन दोनों से 1 कॉमन, 5x प्लस 1, फिर 5x प्लस 1 कॉमन, 7x प्लस 1 इक्वल जीरो, 5x प्लस 1 इक्वल जीरो, 7x प्लस 1 इक्वल जीरो। यहां से क्या आता होता, 5x इक्वल माइनस 1, एक्स इक्वल माइनस 1/5, राइट ना। सेकेंड टर्म से कितना जाएगा, एक्स इक्वल माइनस 1/7, तो एक्स के दो वैल्यूज ये मिले हमें, माइनस 1/5 माइनस 1/7। आसान मेथड है इसमें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन और है, वैसे ही ओरली बता सकते हो अभी क्या होंगे इसके फैक्टर, सोच के देखो मन में कितना है वो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल जीरो। बेटा इसके दो फैक्टर,
क्या नंबर चाहिए अपने को, माइनस फोर को स्प्लिट करना है, बराबर ना, लिख दो एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल माइनस फोर, इनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, वन इंटू माइनस ट्वेंटी वन, यानी माइनस ट्वेंटी वन, माइनस ट्वेंटी वन। इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, एक सेवन थ्री हो सकता है, एक ट्वेंटी वन इंटू वन हो सकता है, राइट। माइनस फोर चाहिए, कौन से दो नंबर रहेंगे, माइनस सेवन और थ्री, सोच के देखो, इधर निगेटिव है ना, ये निगेटिव कब आ सकता है बेटा, जब इन दोनों में से एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, तो कोई एक नंबर पॉजिटिव होना चाहिए और कोई एक नंबर निगेटिव, बराबर है। अब किस तरह से कौन सा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव लेंगे हम, इन दोनों का सम माइनस फोर होना, तो एक्स वन को माइनस सेवन है कि नहीं, कोई भी एक नंबर को माइनस सेवन लेंगे, दूसरे नंबर को थ्री लेंगे, प्लस थ्री, माइनस सेवन प्लस थ्री माइनस फोर होता है। तो इस तरह से इसको हमने स्प्लिट कैसे किया है, माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री एक्स, केवल बीच नंबर को चेंज करते हैं, बाकी सब जैसा का वैसे लिखते हैं। यहां से एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस सेवन प्लस थ्री कॉमन, एक्स माइनस सेवन इक्वल जीरो, फिर एक्स माइनस सेवन कॉमन, एक्स प्लस थ्री इक्वल जीरो, एक्स माइनस सेवन जीरो, एक्स प्लस थ्री जीरो, एक्स की वैल्यू सेवन और माइनस थ्री, तो आंसर क्या आएगा अपना, सेवन एंड माइनस थ्री। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, जो मिडिल टर्म होता है ना, यहाँ पर कोई इरेशनल नंबर होता है, जैसे रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव एंड सो ऑन, राइट, उसको भी हम इसी मेथड से सॉल्व करते हैं। किस तरह से, आपको नेक्स्ट टाइप में बताता हूं। यदि मिडिल टर्म इरेशनल नंबर हो, इरेशनल मतलब रूट टू या रूट थ्री या रूट फाइव, इस टाइप से जो नंबर होते हैं वो होता हो। सेकेंड टाइप, कुछ प्रॉब्लम है मेरे पास उस टाइप के, एनसीईआरटी की बुक से ली हुई प्रॉब्लम है, लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स रूट टू एक्स प्लस टेन इक्वल जीरो, दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री एक्स माइनस सिक्स इक्वल जीरो, तीसरा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री रूट थ्री एक्स प्लस सिक्स इक्वल जीरो, कुछ और भी है बाद में डिस्कस करते हैं। हाँ बेटा, पहले तीन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हम, क्या है इसमें, मिडिल टर्म जो है वो इरेशनल है, देखो ये रूट टू, यहां पर है रूट थ्री, ऐसे ही ये रूट ए इंटू रूट ए कितना होता है पता है ना सबको, ए इस फैक्ट पर बेस्ड है बेटा पूरी थ्योरी। ध्यान दो, पहला क्वेश्चन है अपना एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स रूट टू एक्स प्लस टेन इक्वल जीरो, मेथड वही है, दो नंबर को इस तरह से चाहिए हमें जिनका सम सिक्स रूट टेन हो, सिक्स रूट टू हो, सिक्स रूट टू को स्प्लिट करना है, इन नंबर्स का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए टेन, सम हो सिक्स रूट टू और प्रोडक्ट कितना टेन, देखो बेटा रूट टू तो चाहिए हमें, मतलब इसमें से दोनों के साथ में रूट टू तो रहना ही है, एक्स वन के साथ भी रूट टू चाहिए, एक्स टू के साथ भी रूट टू होना, बराबर है, क्योंकि इधर रूट में नहीं है कहीं पर भी, इधर टेन लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहां भी रूट टू लेंगे, इधर भी रूट टू लेंगे। अब सोचिए दो नंबर जिनका प्रोडक्ट टेन हो, ध्यान दो बेटा, फाइव रूट टू एंड रूट टू,
रूट टू होना ही हमें आंसर में, क्योंकि इधर रूट टू चाहिए है कि नहीं। तो ये रूट टू इंटू रूट टू कितना हो जाएगा, टू। टू इंटू फाइव कितना होता है, टेन। तो एक्स वन की वैल्यू क्या मिली, फाइव रूट टू, और एक्स टू की वैल्यू रूट टू। और ये भी ध्यान रखना है, नंबर लेते समय इनका सम मिडिल टर्म के इक्वल होना चाहिए, होता है ना। फाइव रूट टू प्लस रूट टू का सम कितना होता है, सिक्स रूट टू। तो इस तरह से इसको हम कैसे स्प्लिट करेंगे, मिलेगा दो पार्ट, एक फाइव रूट टू एंड दूसरा रूट टू प्लस टेन इक्वल जीरो। यहां से एक्स कॉमन, क्या बचा होता अभी, एक्स प्लस फाइव रूट टू प्लस, इन दोनों से ये टेन को लिख सकते हैं ना, इन दोनों का प्रोडक्ट देखो टेन हो रहा है ना, मतलब फाइव रूट टू इंटू रूट टू, समझने के लिए लिख रहा हूं आपको, फाइव रूट टू इंटू रूट टू टेन होता है ना, फाइव रूट टू इंटू रूट टू। अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम, रूट टू कॉमन, कितना बचेगा बताया, एक्स प्लस फाइव रूट टू इक्वल जीरो। ये x प्लस फाइव रूट टू यहां पर भी वही है, सो x प्लस फाइव रूट टू कॉमन, x प्लस रूट टू इक्वल जीरो। x प्लस फाइव रूट टू इक्वल जीरो यानी x इक्वल माइनस फाइव रूट टू, x इक्वल माइनस रूट टू, ये हो गया अपना आंसर, माइनस फाइव रूट टू एंड माइनस रूट टू। यदि मिडिल टर्म में इरेशनल नंबर हो तो ये प्रोसेस होती है बेटा। दूसरा क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर टू, रूट टू इंटू रूट टू कितना होता है, टू के इक्वल, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, थ्री के इक्वल। नोट करते जाइएगा सब, ये पेन कॉपी लेकर बैठना चाहिए बेटा वीडियो देखते समय हमेशा, है ना, और उसको नोट करते रहिए। पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद में सोल्यूशन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री एक्स माइनस सिक्स इक्वल जीरो, टू नंबर का सम कितना चाहिए होगा अपने को, माइनस रूट थ्री, और इनका प्रोडक्ट कितना होगा, माइनस सिक्स। प्रोडक्ट जब भी माइनस सिक्स चाहिए हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपको एक पॉजिटिव लेना है एक निगेटिव लेना है दोनों में से। इधर मिडिल टर्म में रूट थ्री है, मतलब दोनों में रूट थ्री तो रहना ही रहना है कि नहीं, रूट थ्री तो पक्का है, और एक में पॉजिटिव लेना है एक में निगेटिव लेना है ताकि आंसर निगेटिव आए। यदि यहां पर मैं माइनस टू रूट थ्री ले लो, रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना हो गया था, थ्री हो गया था, हमें क्या चाहिए बेटा, हमें सिक्स चाहिए, तो इसके लिए क्या लेंगे, और एक प्लस और एक माइनस होना, तो मैंने माइनस टू रूट थ्री लिया है, टू रूट थ्री इंटू रूट थ्री सिक्स होता है आप जानते हैं। अब इधर माइनस क्यों लिया, यहां क्यों नहीं लिया, देखो यदि मान लो मैं यहां पर प्लस लेता और इधर माइनस लेता तो इन दोनों का सम कितना आता बेटा, टू रूट थ्री माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री, बट हमें क्या चाहिए इनका सम, माइनस रूट थ्री। इस कारण से इस माइनस को मैंने यहां पर लिया है, इन दोनों का सम माइनस रूट थ्री हो रहा है और दोनों का प्रोडक्ट माइनस सिक्स हो रहा है। अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री एक्स प्लस रूट थ्री एक्स, इसके दो पार्ट ये और ये, माइनस सिक्स, सिक्स को क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट लिख सकते हैं ना, होता जरूरी नहीं होता है, बस समझने के लिए लिख ले रहे हैं हम इसको ताकि आसानी से समझ में आ सके। देखो ये एक्स कॉमन, एक्स माइनस टू रूट थ्री, इन दोनों से रूट थ्री कॉमन,
एक्स माइनस टू रूट थ्री इक्वल जीरो, फिर एक्स माइनस टू रूट थ्री कॉमन, एक्स प्लस रूट थ्री इक्वल जीरो, एक्स माइनस टू रूट थ्री इक्वल जीरो यानी एक्स इक्वल टू रूट थ्री, और यहां से एक्स इक्वल माइनस रूट थ्री। जब ये प्रैक्टिस हो जाती है तो ये जो स्टेप्स लिखी है ना, ये सब स्टेप्स गायब हो जाती है, इसके बाद डायरेक्ट ये आता है, और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए तो इसके बाद सीधे ये लिखते हैं, बराबर है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है बेटा, बस आ जाता है, आसान है। आई थिंक हो गया होगा क्लियर। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका, ये आप बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री रूट थ्री एक्स प्लस सिक्स इक्वल जीरो, टू नंबर का सम कितना होना चाहिए, थ्री रूट थ्री, और इनका प्रोडक्ट कितना है सिक्स, दो नंबर का सम थ्री रूट थ्री और इनका प्रोडक्ट है सिक्स, बता सकते हो बेटा, इसमें रूट थ्री तो रहना ही है दोनों में, है कि नहीं। अब देखो, या तो दोनों निगेटिव रहेंगे या दोनों पॉजिटिव, क्योंकि इसका प्रोडक्ट कितना चाहिए अपने को, प्लस चाहिए, प्लस सिक्स। सिक्स लाने के लिए क्या जरूरी है, अभी यहां पर टू रहे, रूट थ्री इंटू रूट थ्री तो थ्री हो गया, अब सिक्स बनाना है तो टू चाहिए, टू हम यहां भी ले सकते हैं इधर भी ले सकते हैं ना, कहीं भी, दोनों सेम साइन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इन दोनों का सम कितना हो गया बेटा, थ्री रूट थ्री, मतलब डायरेक्ट आ गया ये, देखो एक्स स्क्वायर प्लस टू रूट थ्री एक्स प्लस रूट थ्री एक्स, इसको स्प्लिट किया ये दो पार्ट में, प्लस सिक्स इक्वल जीरो, यहां से कॉमन एक्स, एक्स प्लस टू रूट थ्री, यहां से रूट थ्री कॉमन, एक्स प्लस कितना आएगा बेटा टू रूट थ्री, क्लियर है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो सिक्स मिलेगा, फिर एक्स प्लस टू रूट थ्री कॉमन, एक्स प्लस रूट थ्री इक्वल जीरो, सो एक्स इक्वल माइनस टू रूट थ्री, एक्स इक्वल माइनस रूट थ्री। ये था अपना नेक्स्ट टाइप, इसमें क्या था, सभी क्वेश्चन में मिडिल टर्म में इरेशनल था। एक टाइप और होता है इसमें, वो भी बताता हूं अभी आपको, इसमें क्या रहेगा बेटा, यहां पर और यहां, मतलब ए और सी, ए और सी दोनों इरेशनल नंबर रहेंगे, ए भी इरेशनल एंड सी भी इरेशनल, राइट। तो रेडी है तीसरा पार्ट के लिए, थर्ड पार्ट में क्या है, ये अभी हम एक ही मेथड पढ़ रहे हैं, इसके अलावा दो मेथड और है बेटा, एक फॉर्मूला मेथड है और दूसरी कंप्लीटिंग स्क्वायर है, सबका अपना अपना तरीका होता है, मतलब सभी मेथड का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, कई मेथड मतलब कौन सी मेथड कहाँ अप्लाई करना है थोड़ी अलग अलग वो रहती है ना। देखिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू रूट टू इक्वल जीरो, दूसरा रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस सेवन रूट थ्री इक्वल जीरो, तीसरा फोर रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू रूट थ्री इक्वल जीरो, ये तीन क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है। देख रहे बेटा थर्ड टाइप है अपना, इसमें क्या है, ए और सी दोनों इरेशनल है, इसके पहले हमने जो पढ़ा था उसमें मिडिल टर्म इरेशनल थी, यहां पर ए और सी इरेशनल है, मेथड वही है सबके लिए, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं,
एक्स वन प्लस एक्स टू कितना होना चाहिए? माइनस थ्री, दो नंबर का सम मिडिल टर्म के इक्वल, और इनका प्रोडक्ट कितना चाहिए बेटा अपने को? एक्स वन इंटू एक्स टू, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? ये रूट टू इंटू रूट टू का प्रोडक्ट देखे तो टू आता है, और टू इंटू माइनस टू कितना हो गया? माइनस फोर, राइट। तो एक्स वन इंटू एक्स टू होना चाहिए माइनस फोर। अब इसके दो पार्ट लीजिए, दो पार्ट देखो, यहां पर निगेटिव है, इसका मतलब जो दो नंबर लेंगे हम वो क्या चाहिए वैसा, उसमें से एक पॉजिटिव होना एक निगेटिव होना, राइट। प्रोडक्ट इसका फोर चाहिए, तो हम ले लेते हैं माइनस फोर एंड वन, दोनों का प्रोडक्ट हो गया माइनस फोर। यही क्यों लिया? एक कंडीशन और भी है ना, दोनों का सम माइनस थ्री होना चाहिए, तो माइनस फोर प्लस वन लेंगे तो दोनों का सम कितना आता है? माइनस थ्री। तो इस तरह से अभी इक्वेशन क्या हो गई, रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री के दो पार्ट, ये लिखे बेटा कौन कौन सा है? माइनस फोर एक्स प्लस एक्स माइनस टू रूट टू इक्वल जीरो। यहां से रूट टू एक्स कॉमन, केवल एक्स बचा है, यहां से रूट टू कॉमन निकल गया है, कितना बचेगा बता सकते हो? फोर को क्या लिख सकते हैं बेटा हम? टू रूट टू इंटू रूट टू, एक रूट टू कॉमन निकल गया तो टू रूट टू बाकी है, प्लस एक्स माइनस टू रूट टू इक्वल जीरो, यहां से वन कॉमन, फिर एक्स माइनस टू रूट टू कॉमन, रूट टू एक्स प्लस वन इक्वल जीरो, एक्स माइनस टू रूट टू इक्वल जीरो, रूट टू एक्स प्लस वन इक्वल जीरो, सो एक्स इक्वल टू रूट टू, ये सब स्टेप स्मूथली होती है ना, रूट टू एक्स इक्वल माइनस वन, यानी एक्स इक्वल माइनस वन बाय रूट टू। तो क्या रूट्स मिल गया इसके? टू रूट टू एंड माइनस वन बाय रूट टू। बाकी दो क्वेश्चन भी अभी सॉल्व कर रहे हैं ना, इसके बाद आपको होमवर्क दूंगा इन्हीं पर, पहले इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद होमवर्क दूंगा, उसके बाद में फिर जो है आपको नेक्स्ट मेथड बताऊंगा इसकी, एंड देन उसके बाद में क्यूबिक पॉलिनोमियल करने की मेथड बताऊंगा अगली मेथड। पहले इसको देखते हैं, दोनों का सम कितना चाहिए बेटा? 10, और प्रोडक्ट कितना होना? एक्स वन इंटू एक्स टू रूट थ्री इंटू सेवन रूट थ्री, रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना होता है? थ्री इंटू सेवन 21। अब बताइए दो नंबर कौन कौन से ले जिनका प्रोडक्ट 21 हो, इधर भी देखा करो, ये सम कितना चाहिए? 10 है ना, तो 10 के आसपास वाले नंबर ही लीजिए। 21 कौन कौन से होते हैं? आसान है एकदम, 7 और 3, 7 प्लस 3 10 हो जाता है। तो इक्वेशन हो गई रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x, 7 रूट थ्री इक्वल जीरो, एक्स कॉमन इन दोनों से, रूट थ्री एक्स प्लस सेवन, यहां से रूट थ्री कॉमन, रूट थ्री एक्स प्लस सेवन इक्वल जीरो, ये रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री होता है, नो नाउ रूट थ्री एक्स प्लस सेवन कॉमन, एक्स प्लस रूट थ्री इक्वल जीरो, रूट थ्री एक्स प्लस सेवन इक्वल जीरो, एक्स प्लस रूट थ्री इक्वल जीरो, रूट थ्री एक्स इक्वल माइनस सेवन, एक्स माइनस सेवन बाय रूट थ्री,
यहां से कितना x की वैल्यू माइनस रूट थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा, अभी आप सॉल्व इस तरह से ही सॉल्व करना है। अभी होमवर्क दे रहा हूं आपको, बराबर है, नोट कर लीजिएगा और होमवर्क सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड बताएंगे आपको। हाँ बेटा, ये आपका होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करके लाइएगा, राइट। और इससे आगे का जो है अब हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।